महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आशीष जी, मुंबई महिला मोर्चा की अध्यक्षा शलाका जी, हमारे दो मंत्री महाराष्ट्र के प्रकाश मेहता जी, विद्या देवी ठाकुर जी, संसद में मेरे दो सहयोगी किरीट जी, पूनम जी, हमारी वरिष्ठ महिला नेत्री कांता नलावड़े जी और मंच पर आसीन तथा सभागार में उपस्थित मेरी बहुत ही स्नेही बहनों और थोड़े से भाइयों, आज इस सभा के लिए जब मैं दिल्ली से चली तो मुझे ये जानकारी नहीं थी कि शाम को 5 बजे चुनाव आयोग पत्रकार वार्ता करेगा, लेकिन ये जानकारी मिलने के बाद मैं कह सकती हूं कि आज की ये सभा मेरे लिए ऐतिहासिक सभा हो गई, क्योंकि आचार संहिता लगने से पहले ये मेरी अंतिम सभा है और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लेने वाली मेरी ये पहली सभा। आज इस समय जब आपके बीच में आई हूं तो पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का ज्वार आया हुआ है। जिस तरफ जाओ 3 ही जय घोष सुनाई देते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय हिंद। और इसी के लिए मैं उरी आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा और पुलवामा आतंकी हमले के बाद एयर स्ट्राइक द्वारा प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रतिबद्धता प्रकट की है उसके लिए उनका अभिनंदन करती हूं। हमारी सेनाओं ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया है उसके प्रति नमन करते हुए उन्हें बधाई देती हूं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से आतंक के खिलाफ लड़ने का जो सहयोग और समर्थन हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए उनके प्रति आभार प्रकट करती हूं। और साथ ही इस सभा के माध्यम से देशवासियों को भरोसा दिलाती हूं कि मोदी के हाथों में भारत सुरक्षित है, इसलिए निश्चिंत हो जाए। अभी मुझसे बैठे बैठे आशीष पूछ रहे थे तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक का क्या, तो मैंने कहा तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक इस देश का मतदाता करेगा, विपक्ष की इच्छाओं और आकांक्षाओं को धराशायी करके राजनीतिक पंडितों के अनुमान और अंदाजों को गलत साबित करके अपार बहुमत से प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनाकर तीसरी स्ट्राइक हिंदुस्तान में होगी जो मतदाता है। बहनों, आज इस मीटिंग में मुझे जयवंती बहन की कमी बहुत महसूस हो रही है। मुंबई का कोई भी ऐसा महिला सम्मेलन नहीं था जहां वो मेरे साथ नहीं रहती थी, इसलिए आज इस सभा में मैं उनके प्रति अपनी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं। और अब उस बात पर आती हूं जिस महिला सम्मेलन के लिए मुझे बुलाया गया है। आशीष जी, आपके प्रति आभार। आमतौर पर महिला मोर्चा को महिला सम्मेलन करने को कहा जाता है, लेकिन पहली बार महिलाओं के महत्व को समझते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ये सम्मेलन करने का निर्णय लिया। और हमारे मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में तो इसमें चार में चांद ने चार चांद लगा दिए। जिस समय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने एक मूल मंत्र देश के सामने रखा था अपनी सरकार को चलाने का, और वो मूल मंत्र था सबका साथ सबका विकास। उनकी सरकार के 4.5 वर्ष इस बात के साक्षी हैं कि उन्होंने अपनी सरकार इसी मंत्र के आधार पर चलाई है। आज मैं कह सकती हूं कोई भी वर्ग मोदी जी की आंख से उपेक्षित नहीं रहा, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मध्यम वर्ग है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति वर्ग है, चाहे वो युवा है, महिला है, किसान है, मजदूर है, दिव्यांग है। और
एक एक वर्ग के लिए इतनी इतनी योजनाएं बनी हैं कि अगर मैं एक वर्ग के सम्मेलन को संबोधित करूं तो घंटों उन योजनाओं पर बात हो सकती है। आज चूंकि मैं आपके सामने बैठी हूं तो ज्यादातर बात महिलाओं के बारे में करना चाहूंगी, और मैं एक वाक्य में इसका समापन करूंगी कि अजन्मे बच्ची से लेकर, मेरी बात पर ध्यान देना, अजन्मे बच्ची से लेकर और महिला के बुढ़ापे तक की चिंता उन्होंने की। बच्चे के जन्म के बाद तो बहुत लोगों ने चिंता करते हैं, लेकिन इस देश में कन्या भ्रूण इतना बना अभिशाप बन गया है कि लड़की को जन्म के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। और मुझे कई बार इस विडंबना पर बहुत हैरानी भी होती और दुख भी कि किस देश में यह हुआ। वो देश जो वर्ष में दो बार देवी की आराधना करता है, और वो भी नौ नौ दिन के लिए। जरा सोचिए, रामनवमी वर्ष में एक दिन मनाई जाती है, कृष्ण जन्माष्टमी एक दिन मनाई जाती है, शिवरात्रि एक दिन मनाई जाती है, लेकिन शक्ति की आराधना दो बार नौ नौ दिन 18 दिन की जाती है, और दोनों बार त्योहार का समापन कन्या पूजन से होता है। अंतिम दिन दुर्गाष्टमी, कुछ घरों में नवमी भी मनाते हैं, दुर्गा नवमी, ज्यादातर दुर्गाष्टमी। कैसे समापन करते हैं? बढ़ावा देते हैं बहुत प्यार से। सबसे पहले जब वो आती है तो दहलीज के पार उनका चरण प्रक्षालन करते हैं, उनके पांव धोते हैं, उसके बाद उनको आसन पर बिठाते हैं, तिलक करते हैं माथे पर, अक्षत लगाते हैं, हाथ में कलावा बांधते हैं, हलवा पूरी देते हैं, दक्षिणा देते हैं, और हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थाम नमस्तस्य 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 नमो नमः। वो दूसरे की कन्या हमारे यहां देवी बनकर आती है, लेकिन अगर अगले दिन ये पता चल जाए कि पत्नी की गर्भ में बेटी है या बहू के गर्भ में बेटी है तो उसे आदेश दिया जाता है जाकर गर्भपात कराए। ये कैसी विडंबना, दूसरे की बेटी देवी और अपने घर की बेटी अवांछनीय है, नहीं चाहिए। और मालूम है इसके कारण जेंडर अनुपात कितना ज्यादा बिगड़ रहा है, सामाजिक संतुलन कितना बिगड़ रहा है। मेरा गृह प्रदेश हरियाणा है, मेरा माथा शर्म से नीचा होता है कि वहां दुल्हन नहीं मिल रही शादी करने के लिए। उड़ीसा से झारखंड से बहुएं लाई जा रही हैं, और मैं जब स्वास्थ्य मंत्री थी तो मैंने ये नारा दिया था, पोस्टर लगाए थे, दुल्हन नहीं मिलेगी ढूंढते रह जाओगे। आज मेरी वो भविष्यवाणी सच हो रही है। वहां मातमी दरी बिछती थी, लड़की के होने पर मातमी दरी बिछती थी। आस पड़ोस ने आके दादी को कहती थी, कोई बात ना बहन, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, पोते तो तू खिलावेगी आज नहीं तो कल। ये परिस्थिति थी। सरकारी कार्यक्रम पहले भी बने थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को लगा कि सरकारी कार्यक्रम से ये अनुपात सुधरने वाला नहीं है, ये संतुलन ठीक होने वाला नहीं है। उन्होंने इसे मिशन मोड में अभियान बनाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो मैंने कहा था कि अजन्मे बच्ची से लेकर उन्होंने चिंता की, उस लड़की की चिंता की जो गर्भ में मारी जाती है, जो मां से कहती है मैं तेरी अपनी हूं मुझे मत मारो मां, लेकिन बां का वश नहीं चलता, वो कोई अपनी इच्छा से थोड़ी गर्भपात कराती है। सुषमा स्वराज सध्या भाजपच्या महिला मेळाव्याला संबोधित करता आहेत, या संदर्भातल्या अपडेट्स आपण इतर बुलेटिन्समध्ये घेणार आहोत, तुर्तास इथंच थांबूया, नमस्कार।